क्वेश्चन नंबर 7, हमें वैल्यू निकालनी है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री की। अब यहाँ पर कुछ खास बातों का ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बड़ा एंगल है और वो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव एंगल के बारे में हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो पॉजिटिव एंगल आएगा और इधर जाएंगे तो नेगेटिव आएगा। पर यहाँ पर हम इस पूरे एंगल को, चाहे जितना भी बड़ा एंगल हो, आप इसे थीटा मान लेंगे, अभी सॉल्व नहीं करेंगे और रोटेशन भी नहीं इसका कुछ करेंगे, इस बड़े एंगल को क्या मान लेंगे, थीटा। तो आपके पास क्या आ गया, कॉसेक माइनस थीटा। कॉसेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट से, मतलब जो जीरो माइनस थीटा डिग्री करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉसेक थीटा, और इसे लिखेंगे माइनस कॉसेक 14110 डिग्री। ऐसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होंगे सब में हम यही अप्लाई करेंगे। इस माइनस वाले एंगल को, जो अगर 90 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, एक थीटा मान लेंगे और फिर थीटा चेक करेंगे कि कॉस है या सेक है या साइन। माइनस थीटा माइनस होगा या प्लस, केवल कॉस और सेक के केस में प्लस होगा, बाकी सभी में ये माइनस आएगा। अब क्वेश्चन हो गया कि हमें वैल्यू निकालनी है कॉसेक 14110 डिग्री की, तब क्या करेंगे, 90 से इसको डिवाइड कर दो, 14110 डिग्री, तो बन जा हो गया 90, यहां पर कितना आ गया 1 और यहां 5 1 10, और ये कितनी बार जाएगा, 6 9 6 54 होगा, 5 45 45, ये कितना आ गया 60। तो इस एंगल को अब हम क्या लिख सकते हैं, इस एंगल को लिख सकते हैं माइनस कॉसेक 90 × 15 प्लस 60 डिग्री, ये एंगल बना हमारे पास। तो 90 डिग्री के 15 रोटेशन होंगे, देखो क्या होगा, ये 4 रोटेशन हो गए, अब ये 8 हो गए, अब ये 12 हो गए, अब देखिए ये 13, ये 14 और ये 15, 15 रोटेशन प्लस 60 डिग्री, मतलब ये यहां आगे पोजीशन। ये जो नंबर है कॉसेक, दिस एंगल कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एएससीसी से नेगेटिव आएगा। अब देखो 90 × 15 कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में कॉसेक बदलेगा सेक में, और क्या आएगा, सेक 60 डिग्री, और ये वाला माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेक 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, सेक 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है, कॉस 60 साइन 30 के बराबर होगा 1/2, तो सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2। तो यहां पर कॉसेक माइनस 14110 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, 2। ये बहुत सिंपल सा मेथड है, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में एएसटीसी यूज करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में है और कौन सी एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है, बस इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप कोई भी बड़े से बड़ा एंगल फाइंड कर सकते हैं। 90 का जो डिवीजन मेथड है, इसमें क्या होता है कि यहां पर ये पता चल जाता है, अगर ऑड नंबर आ रहा है, 15 का मल्टीपल है, तो वाई एक्सिस जरूर इन्वॉल्व होगी, क्योंकि देखिए यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2, यहां 3, तो जब भी और मल्टीपल आएगा तो वाई एक्सिस, इवन मल्टीपल आएगा तो एक्स एक्सिस इन्वॉल्व होगी, और मल्टीपल आएगा तो ये साइन जरूर बदलेगा, और इवन मल्टीपल आएगा तो ये साइन पर चेंज नहीं होगा।